चलिए एनिग्मा कम से कम अपने वो खिलाड़ियों को रिवाइव कर सकते हैं, उनके दोनों खिलाड़ी यहाँ पे रिवाइव हो जरूर जाएंगे, बड़े खिलाड़ी को कंधे पे डाला है उन्होंने, कमरे के अंदर लेके गए, वहाँ पे रिवाइव करेंगे। ओजी की स्क्वाड की बात करें इस वक्त, कल स्पीरो हम बात कर ही रहे थे कि वो जो एरिया है अगर उसको छोड़ा तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें टीम को होने वाली, वही चीज़ हम देखते हुए बड़ा आतंकी आदित्य इस वक्त आतंक मचाते हुए ओजी की स्क्वाड पे, मुश्किल थोड़ी सी ज्यादा। बड़े के ओपी की बात करी जाए, अक्षत को भी उन्होंने डाउन किया। जी हाँ, डाउन तो किया है, बट ओजी की टीम जोन के अंदर जाएगी कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे मेजी, क्योंकि फंस गए। एक तो ओआर का भी निशाना उनके ऊपर है, वहीं अगर सोल की बात की जाए वो भी यहाँ पे लड़ना चाहते हैं, और गॉब्लिन को देखिए वो तो आगे बढ़ रहे हैं। नेड और यूटिलिटी का यूजेज जो यहाँ पे टीम सोल करती है मोलोटोव के साथ, अगर आप देखा जाए तो काफी अच्छा उनका खेल देखने को मिलता है। बट गॉब्लिन इज गोइंग अहेड, उनको शायद पोजीशन पता नहीं, बट ये नेड जाएगा, काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे दिया जरूर जाएगा। एक ओपी बिल्कुल तैनात है, पीछे से शॉट भी यहाँ पे आते हैं जितना बहुत मुश्किल, गॉड लाइक की नजरें भी यहाँ पे टीम सोल के ऊपर। जीतने के लिए आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट दिखाना पड़ेगा, बट जो अग्रेशन यहाँ पे गॉब्लिन ने दिखाया था उसको बैकफायर कराया गया एक एओपी के द्वारा, काफी ज्यादा तेजी से वो आगे आया और गॉब्लिन का फिनिश वो निकालना चाहते हैं अब। बट वहीं पे एक ओपी की बात कही जाए, ग्रेनेड उनके पास भी गैटर के सामने मौजूद रहेगा, ओमेगा का वो ग्रेनेड एक ओपी को डाउन करेगा, और लास्ट खिलाड़ी जो उनके बचे हुए थे उनको भी यहाँ पे एलिमिनेट किया गया। टीम सोल दो तीन फिनिशेस उन्होंने निकाले जरूर है, बट अपना दो खिलाड़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट खो देते हुए। शैडो वो भी डाउन किए गए, पूरी तरह से फिनिश हो गए। रॉनी की बात करें वो भी खत्म हो गए, जॉनथन डाउन किए गए, ग्लोबल स्पोर्ट्स खत्म, आदित्य डाउन किए गए, बट दलजीत यहाँ पे अपने आपको थोड़ा बैंडेजेस लगाते हुए दिखाई देंगे। एक फिनिश उनके पास भी है, 7C वर्सेस टीम गॉड लाइक, इनकी फाइट इस वक्त चलती हुई है। जी गॉड उनको भी डाउन किया गया, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट खिलाड़ी नियो जो इस वक्त सर्वाइव करेंगे अपनी टीम से, देखना ये कितना ज्यादा भार वो अपनी टीम का उठा सकते हैं। एक बढ़िया ग्रेनेड आया जरूर था, बट आप देखे 7C का वो जो रश है वो हमें देखने को मिलने वाला है, बट आप अकेले अकेले इस तरीके से नहीं आ सकते, किश्तों में आएंगे तो जाएंगे भी किश्तों में। बट ओमेगा एक ग्रेनेड उनके ऊपर डाउन किए गए, और इस वक्त नियो बचाने की कोशिश करेंगे अपने टीममेट्स को। जी हाँ, नियो यहाँ पे रिवाइवल पे जा चुके हैं, देखना पड़ेगा क्या वो रिवाइवल सक्सेसफुली कर पाएंगे। जी हाँ, ज़ीगॉड का रिवाइवल मिल चुका है, आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करी जाएगी। 7C अकेले क्यों गए, आई थिंक पीछे से शॉट्स आ रहे थे जो एनिग्मा की तरफ से, उन्होंने स्प्रे गॉड को मजबूर करा के वो वहीं पे रुके, और जो नीड आया वो कमाल का था। ज़ीगॉड एक बार फिर से नॉक, नियो को अब जाना तो पड़ेगा, बट क्या ये मौका बनेगा स्मोक करके। अब एक बात, अब ये वो तरीका है जिससे पहले अगर करते तो फायदा मिलता, स्मोक करके सारे साथ में जाते दे वुड यू नो आई थिंक गॉडलाइक को खत्म कर सकते थे, बट अब स्प्रे गॉड अभी भी वो स्मोक पूरी तरह हुआ नहीं था, पहले निकल के थोड़ा रिस्क लिया और खुद नॉक होते आपको नजर आए। एनिग्मा वो बस ताक में लगी हुई थी, जैसे भी खिलाड़ी वो क्रॉस करेगा उस चीज का फायदा उठाएगा, वो चीज हमें देखने को मिलेगी। ओमेगा खत्म हुए, टीम सोल आखिरी खिलाड़ी उनका बचेगा रॉकस्टार, एक बढ़िया मॉली वैक्सी डाउन। स्किप्स की बात करी जाए वो भी डाउन हो गए, फिनिश रेट आपको चलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अभी भी आप देखें 12 टीमें 30 प्लेयर टोटल इस पूरे सर्वर इस पूरे लॉबी में सर्वाइव करते हुए। ज़ीगॉड उन्होंने अपने खिलाड़ियों को नहीं, उन्होंने ज़ीगॉड को यहाँ पे रिवाइव किया। फिलहाल के लिए दो खिलाड़ी बचे रहेंगे। हाइड्रा की बात करी जाए, जैक्सन खत्म, स्प्रे गॉड प्लेस उनके बाहर डाउन, सोल 12वें स्थान पर एलिमिनेट होते हुए, ओवेस ने अक्षत को यहाँ पे खत्म किया। गॉड लाइक तीन फिनिशेस, दो खिलाड़ी अभी भी जीवित रहेंगे, बट सर्कल थोड़ा सा दूर। बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, आज के दिन के 6 गेम्स में से ये पहला गेम है, अगर यहाँ पे आपकी शुरुआत अच्छी होती है पूरा दिन मेरे ख्याल से आपका अच्छा जा सकता है। और अभी के लिए टीम एनिग्मा देयर ऑफ टू अ रियली गुड स्टार्ट। ज़ीगॉड नेड एक और यहाँ पे करते हुए, मैडमैन एचपी बहुत कम, स्प्रे गॉड ब्लीड आउट होते आपको नजर आएंगे, ये नेड सही जगह जा जरूर रहा है और मैडमैन को नॉक करा जाएगा, एक्चुअली नॉक नहीं सीधा फिनिश करा जाएगा। इसके साथ 7C ईस्पोर्ट्स भी खत्म होते हुए, उनका पायदान आया है 11वां। वही अगर एक्सो की बात की जाए, आई थिंक शुरुआत से ही हम TSM और एक्सो में थोड़ा सा नॉक जोक देख रहे थे मेजी, और फाइनली वो बैटल काफी जल्दी शुरू होते हुए। हाइड्रा सीक्रेट व्हीकल उनके ब्लास्ट हुई, नॉक जरूर किए गए, सीक्रेट इसी के साथ खत्म हो गए। इमॉर्टल एक फिनिश उन्होंने निकाला, टोटल 6 फिनिशेस आपको एक्सो के पास देखने को मिलेंगे। TSM जिन टीम की हम बात शुरुआती दौर से कर ही रहे थे, दो फिनिशेस निकाले, दो खिलाड़ी अभी भी डाउन है। सेंसे वो ग्रेनेड गया जरूर, थोड़ा सा शॉट वो दीवार को वो भाप नहीं पाया, उसको पार नहीं पा पाया, और ग्रेनेड थोड़ा सा पहले फटा, बट अभी भी एक्सो की बात करी जाए सर्कल के बड़े आसानी से अंदर आ सकते हैं, बट उनको TSM से लड़ना पड़ेगा। बट एक और खिलाड़ी कहीं और किसी दूसरी टीम से लड़ता हुआ आपको दिखाई देगा, ड्रीम्स को वहाँ पे डाउन किए गए, फिनिश किए गए। निग्मा गैलेक्सी उनका भी एलिमिनेशन आपको 10वें स्थान पर देखने को मिलने वाला है। बट ओआर की स्क्वाड की बात करें, अभी भी वो टीम यहाँ पे डटी हुई है, तीन खिलाड़ी उनके बचे रहेंगे, दो फिनिशेस निकाले, बट सेंसे को आप देखे कुछ करतब करते हुए वो खिलाड़ी जरूर यहाँ पे हमें दिखाई देगा। बट अभी भी आप देखे ओआर वर्सेस स्काईलाइट्स गेमिंग की फाइट चलती हुई, देखिए ये सेंसे का गढ़ है ना, उनका ड्रॉप है, तो उनको पता है कि यहाँ पे कैसे खेलना और कैसे पार्क और ट्रिक्स यहाँ पे अपनाई जा सकते हैं, तो टिप्स एंड ट्रिक्स का एक अच्छा इस्तेमाल सेंसे वहाँ पे करते हुए, और अभी भी वहीं पे होल्ड कर रहे हैं। नेड यहाँ पे करने की कोशिश करेगी, सबसे बढ़िया चीज है कि स्मोक के ऊपर उठ चुके हैं और वहां से नेड करना चाहते हैं जहाँ पे उनके पास क्लियर विजन होगा, बट नीचे आने पर उनको मजबूर करा गया। ज़ीगॉड मीनवाइल ब्रिक्स को भी यहाँ पे नॉक कर देंगे, टीम गॉड लाइक भले ही प्लेयर्स कम है बट फाइट काफी अच्छी वो लेते हुए। TSM के प्लेयर्स अभी के लिए होल्ड कर रहे हैं, ओवेस थोड़ा सा पीछे जा चुके हैं, स्मोक का आप एक अच्छा कवर यहाँ पे देख सकते हैं, बट मेजी
It's not going to be easy. Team Exo attack करना चाहती है यहाँ पे. बिल्कुल, और उसका फायदा भी मिलेगा. चलिए इसी के साथ finally fears का वो